दोस्तों फाइनली हम जा रहे हैं हीटर लेने के लिए। कपिल ने मस्त बाइक निकाल रहा है, चलो आगे चलते हैं। तो कुछ ऐसे डाक के जाएंगे हम। तो हमने यहाँ से डाका है क्योंकि गेट बंद है और हम खोल के आवाज नहीं करना चाहते। क्या होगा कि रात में थोड़ी ठंड ठंडी में ठंड की वजह से बाहर निकले थे कि खुद को गर्म करने के लिए कुछ ले चले, और पता चला अगर दुकान नहीं मिली तो डबल खुद को और जमा के वापस चले जाएंगे ठंडी में। ओह नो, ठंड लग रही है। ये देखो मस्त डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी है यहाँ पे, काफी बड़ी प्यारी सी, किताबें पढ़ने आ सकते हो आप यहाँ, मतलब जो यहाँ पे रहता है वो। अब ऐसा नहीं है कि आप यूपी से यहाँ आ रहे हो, वहाँ पे भी अच्छी लाइब्रेरी होगी। आई एम डैम श्योर। वैसे रात के 11 बज रहे हैं, फिर भी काफ़ी दुकानें बंद हो गई हैं, कुछ कुछ दुकानें खुली भी हैं। देखते हैं दोस्तों मिलता है या नहीं। ठंड भी है थोड़ी थोड़ी, और मैंने पुल ओवर भी नहीं पहना, जोश में यूं ही बाहर आ गई। पेट बर्फ भर गया, दुकानें इधर भी थी पर ये तो बंद हो गई हैं। इधर ही थी, ये सारी दुकान बंद हो गई हैं। मुझे भी नहीं पता, बैंगलोर की लड़कियां ज्यादा हॉट हैं इसलिए उनको ठंडी नहीं लगती, या फिर ज्यादा कूल हैं इसलिए ठंडी नहीं लगती। अब भी तक ये नींद में था, अब मुझे उठा के घुमा रहा है ठंडी में बाहर हीटर के लिए, और वापस जाते जाते पता चला उसका दुगना ठंडे हो गए ठंडी में। और रात में डॉगीज भी बहुत घूमते हैं, मस्त देख के चलो बढ़िया। इसने तो क्लोज दिखा रहा है, हमने टाइम ध्यान ही नहीं दिया निकलने से पहले, बाद में मैंने देखा कि अरे यार 11 बज रहे। ओह दोस्तों कुछ इस तरीके से डॉगीज को देखते हैं हम अपना रुख बदल लेते। और रात में ऐसे तो हमें हर रास्ते पर डॉगीज मिलेंगे कपिल। ऐसे मस्त गेट बने होते हैं बैंगलोर में हर कॉलोनी से बाहर निकलने अंदर जाने के लिए। ओ कपिल चॉकलेट की दुकान आ गई। ठंडी लग रही है, घर चलो। फिलहाल तो नहीं, और इसलिए थोड़ी ठंड लग रही है। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं दोस्तों, टाइम हमने देखा नहीं, 11 बज गए थे तो लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो हीटर का प्लान तो अब बाद में ही करेंगे, अब मुझे लगता है आंटी भी सो गई हैं, तो कल सुबह ही देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। और मेरे कान ठंडे हो रहे हैं। कपिल तो ब्लिंकिट के पीछे पड़ गया है, ब्लिंकिट वालों ने अभी तक वो प्रोडक्ट रखा नहीं है। इट्स ओके, सामरानी जला के सो जाना।